नमस्कार दोस्तों, वेदिकन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। सरकार के निर्देशानुसार सभी अपने घरों पर रहिए और स्वस्थ रहिए दोस्तों, लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो दोस्तों, इसी बीच हम अपनी पढ़ाई को नहीं रोक सकते, तो उसी से संबंधित रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं और बच्चे उसमें फंसते हैं, उलझते हैं। और ये संबंधित प्रश्न आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित हैं और आपके मिसिंग नंबर से हैं, जिसमें आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पजल होते हैं। तो उन्हीं को आसानी से देखते हैं उनको कैसे फॉलो किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको सिंबल के साथ में। फर्स्ट है आपका 5 सिंबल 3 दे रखा है इक्वल टू 12। नेक्स्ट आपको दिया जो है 7 सिंबल 11 इक्वल टू 2 दे रखा है। नेक्स्ट 8 सिंबल 6 इक्वल टू 6 दे रखा है। 4 सिंबल 9 इज इक्वल टू पूछा है आपसे क्या होगा, HSC क्लर्क में आपसे पूछा गया है प्रश्न। तो ये जो सिंबल होते हैं इसका कोई मतलब यहाँ पर हम प्लस या माइनस से नहीं कर सकते, या डिवाइड मल्टीप्लाई भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग में यहाँ से तेज़ी से जिसकी कैलकुलेशन होगी तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ूं तो बनता है 8, लेकिन दिया 12 है। 7 और 11 को जोड़ें तो 18 बनता है, 20 दिया है। 8 और 6 14 दिए हैं, 6 9 और 4 13 होगा, तो क्या आएगा। अब यहाँ पर इनका कॉमन एक चीज़ देख सकते हैं हम कि यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 12 हो गया कितना हमारा 20। सबका जोड़ इक्वल टू का कोई मतलब ये नहीं कि बराबर यही आना चाहिए आपका ज़रूरी होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे, मतलब हमने जोड़ा 5 प्लस 3 प्लस 12, बनता है हमारा कितना बराबर 20 बन गया। दूसरा देखिएगा हमारा 7 प्लस 11 11 और 7 18 प्लस 2 जोड़ा तो ये भी कितना बन गया 20 बनता है। अगला देखेंगे तो हमारा कितना है 8 और 6 14 प्लस 6 कितना बना, ये भी बन गया हमारा 20। अगला देखिएगा 4 प्लस 9 प्लस कितना जोड़ू, 9 और 4 13 में कितना जोड़ें कि बराबर में 20 बने, तो हमें जोड़ना होगा 7। और 7 हमारा ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सी ऑप्शन दे रखा है हमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न आपका था दोस्तों। दूसरा प्रश्न एक और जो CGL में पूछा गया था वो क्वेश्चन आपके देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपका है, वो है आपका 1827 46। और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछता है, अब बच्चे यहाँ पर CGL में पूछा गया प्रश्न देखते ही कुछ होता है कि 1 8 27 ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 46 लिखा है, इसको 64 लिखा होता तो आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर 64 नहीं आपका है 46 ही। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पर, ये हमें देखना होगा, दिमाग यहाँ पर लगाना होगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। 1 8 27 और 46 अगली टर्म जब आपसे पूछ रहा है तो अगली टर्म जो होगी आपकी वो क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर 46 की जगह पर अगर 64 होता तो दिमाग में आता है कि 125 आंसर हो सकता था, जो कि ऑप्शन में है, और बच्चे हड़बड़ाहट में यही करके आते हैं जो कि हमारा गलत हो जाता है। अब यहाँ से एक ही चीज़ कर सकते हैं, दूसरा स्क्वायर क्यूब लगा के देख लो दोस्तों, यहाँ से परफेक्ट बनता तो गैप से तो बन नहीं था, क्योंकि गैप तो ज़्यादा का बन रहा है। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इस एक का स्क्वायर करके या क्यूब से हम बात कर सकते हैं। एक का स्क्वायर करें तो कितना होगा, एक ही होगा, प्लस 0 करें। 3 का स्क्वायर करें या 2 की क्यूब आ रही है, क्यूब से तो परफेक्ट हो नहीं रहा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ स्क्वायर से ही करना पड़ेगा। एक का स्क्वायर प्लस कितना कर सकते हो 0, कितना बन गया आपका 1 बनता है। दूसरा देखिएगा आपका 8 जो है उसको क्या किया जा सकता है, भाई 3 का स्क्वायर कर दें कितना होता है 9, माइनस 1 करें तो कितना बन गया 8 बन गया, यहाँ पर हमारी बात हो रही है। अगला देखिएगा 27 आपको दिया है, भाई 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, प्लस 2 कर दूँ तो कितना बन गया 27, 25 प्लस 2 हो गया हमारा 27। अगला हमारा 46 दे रखा है तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर कर दूं माइनस 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 बनता है हमारा 40, बन रही है बात भाई 1 का स्क्वायर 3 का, 5 का 7 का, 1 3 5 और 7, तो अगला किसका स्क्वायर होगा 9 का होगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस तो अगला होगा प्लस 0 1 2 3, तो अगला क्या होगा 4, 9 का स्क्वायर होता है 81,
और 81 + 4 कर देंगे तो बन गया कितना हमारा 85। तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 85, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हमारा बन गया सी, ये सीजीएल में प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए तीसरा प्रश्न हमारे बीच में लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी मिसिंग नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है एक ट्रायंगल में 5, 3, 4 और 18 बीच में है, 3, 5, 3 यहाँ दिया है, बीच में 65, 9, 6, 3 अगला पूछा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न। देखिएगा दिमाग के साथ, कई बच्चे इस प्रश्न को खाली छोड़ के आए थे लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डीप था, जो कि कंपटीशन को आपका डिफ्रेंशिएट करता है। देखिएगा करना क्या होगा यहाँ पर, देखिएगा आपको जो ये 5, 3, 4 दे रखा है इसको एक बार जोड़ लीजिएगा, 5 + 3 + 4, 5 और 3 8 और 4 बन गया 12। 12 में अभी 18 को जो है एक पर्टिकुलर सिंगल डिजिट बना के जोड़ दीजिएगा, 1 और 8 को जोड़िएगा, इस 18 को जो है वो 1 और 8 पर्टिकुलर डिजिट बनाइएगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 20 और 1 बन गया कितना हमारा 21 बनता है। दूसरा देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो हम कितना बनेगा हमारा 3 + 5 + 3, 5 और 3 8 और 3 11, 11 + 6 + 5 बनेगा हमारा। ये जो 65 है इसको हमने जोड़ा क्या, पर्टिकुलर सिंगल डिजिट जोड़ा है 6 + 5, तो कितना हो गया 5 और 3 8 3 11 6 17 और 5 कितना बना 22। वहाँ पर हमारा बना था 21, यहाँ पर टोटल बना 22, तो अगले का बनना चाहिए 23। तो जोड़िएगा 9 + 6 9 और 6 15 15 और 3 18 कितना जोड़ू 23 बने, तो जोड़ना पड़ेगा 5, और 5 जोड़ेंगे तो किस ऑप्शन से बन रहा है 3, यहाँ पर 8, यहाँ से 6, तो 5 + 0 ही बन रहा है, तो 50 होगा। यहाँ पर टोटल बन गया इसका 23, क्योंकि 21 हमारा था, यहाँ पर 21 था, यहाँ 22 था, तो यहाँ 23 हो गया। तो यहाँ से आंसर जो हमारा हो गया वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर 50, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको डी। चलिए एक प्रश्न और महत्वपूर्ण आपका चौथा प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो ये दिया गया है 6, 3, 24, 8, 64 और 48, 7 यहाँ पर 4 अगला पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में कहा जाता है दोस्तों जिस साइड वैल्यू बड़ी हो उसी साइड से सॉल्यूशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। करना क्या होगा देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है आपका, सीएचएसएल में पूछा जा चुका प्रश्न है। देखिएगा अब करना क्या है, इसको जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 24 यहाँ से नहीं बन रही है बात, तो इधर से जोड़िएगा एक बार टोटल, इधर वाले नंबर का टोटल करिएगा, 8, 6, 14 + 7 कर दूँ तो बन गया कितना 21 बनता है। इधर से जोड़ेंगे तो 64, 4, 68 और 3 बनता है कितना 71, इन दोनों का डिफरेंस आता है 50 का, तो अगले का भी 50 होना चाहिए, 71 और 50 जोड़ देंगे तो कितना बनता है 121, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनता है भाई 24 + 48, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा 72, और 121 बनाना है तो कितना और जोड़ना पड़ेगा 49 और जोड़ना पड़ेगा, 49 जोड़ेंगे तो 121 बनेगा, क्योंकि सब में 50 डिफरेंशिएट आ रहा है, तो 49 आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है दोस्तों डी में दे रखा है। सो राइट आंसर विल बी 49, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण भी बनते हैं और बच्चों ने भेजे भी थे जिनमें समस्याएं आ रही थी, तो आशा करता हूँ कि सभी समस्याएं दूर हो गई होंगी और प्रश्न भी जरूर समझ आए होंगे। अगली वीडियो कोशिश करते रहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान आपको घर से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिए जा सके विद शॉर्ट ट्रिक्स, अगली कुछ वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टाटा, स्वस्थ रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ।